हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और हार्दिक स्वागत फिर से हमारे चैनल पे। और एडवर्ड थॉर्नडाइक का पार्ट टू, द थ्री लॉस ऑफ लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इनके ऊपर भी पूछते हैं, बहुत सिंपल सी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, यू नेवर नो। तो हर एक पॉइंट विच एवर आई हाईलाइट इन बोल्ड लेटर्स, अगर येलो में ऐसे, ये सब जरूर नोट कर लेना, डू नोट इट डाउन, ओके। तो हाँ, देखते हैं, कमिंग टू एडवर्ड थॉर्नडाइक, जैसे मैंने कहा वी वर डिस्कसिंग अबाउट हिम ना, फिर से दोज हु हैव नॉट वॉच द अर्लियर वीडियो ये भी जरूर देख लीजिए, नहीं देखा ट्रायल एंड एरर थ्योरी जरूर जरूर देख लेना, ओके। कमिंग टू एडवर्ड थॉर्नडाइक, जैसे है हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, थॉर्नडाइक वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु केम अप विद थियोरी ऑफ कनेक्शनिज्म। वी डिस्कस्ड कनेक्शनिज्म क्या होती है ना, इट्स ऑल अबाउट स्टिमुलेशन एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स होता है, एंड ही वॉज द वन हु लेड द साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ एडुकेशन। सो दीज पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यू हैव लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी टू गेट इट नो समवेयर रिलेटेड टू दिस। तो हाँ, कमिंग टू कौन सी अप्रोच, सो एग्जाम में क्या होता है ना, आपको सीटेट के एग्जाम, टेट एग्जाम्स में कभी बिहेवियरिस्ट अप्रोच दे के द थियोरीज के नाम्स देते हैं या उन साइकोलॉजिस्ट का नाम देते हैं, नहीं तो उनका थियरी दे के कौन सी अप्रोच है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच है या ह्यूमानिस्टिक अप्रोच है, ऐसे भी पूछे जाते हैं। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, सो दिस इज अ बिहेवियरिज्म, दैट इज इट इज चेंजिंग द बिहेवियर। अगर बिल्ली का ट्रायल एरर मेथड आप देख चुके होंगे, एक्सपेरिमेंट आपने देखा है कि बिल्ली में बिहेवियरल चेंज है पहला, तो इट इज वी आर चेंजिंग, वो अप्रोच ही इट्स रिलेटेड टू बिहेवियर है ना, तो दैट इज वाई वी से इट इज अ बिहेवियरिस्ट अप्रोच, इट इज इन चेंजिंग ऑफ हमारे बिहेवियरिज्म में। तो जब अगर आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन है हु स्पेशली मेड यू नो केम अप विथ थियोरीज, थॉर्नडाइक एक है, जे बी वॉटसन है, बी एफ स्किनर है, स्किनर जी ने थॉर्नडाइक का अपोज किया, उनका अलग सा थियोरी है, वो भी देखेंगे इसके बाद, ओके। और वॉटसन का आप तो आपने ऑलरेडी देख चुके होंगे, हाँ हमारे वीडियोस में, जे बी वॉटसन वेरी फेमस मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल गाय। तो हाँ, कमिंग टू थॉर्नडाइक एंड बी एफ स्किनर, उनका भी थियोरीज वॉज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, और एडवर्ड थॉर्नडाइक, आज हम उनके थियोरीज ऑफ लर्निंग जरूर सीखेंगे, ओके। नाउ थॉर्नडाइक ने क्या किया है, ही केम अप विद अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, यू नो, और थॉर्नडाइक लॉस भी हम बोलते हैं, तो उनका कहना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर, नोट इट डाउन, हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इफ दे आस्क यू दिस, कैन थॉर्नडाइक के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, दिस साइकोलॉजिस्ट सेड दैट लर्निंग कैन बी अचीव व्हेन एन इंडिविजुअल इज एबल टू फॉर्म एसोसिएशन बिटवीन अ स्टिमुलस एंड, तो अगर ए सेंटेंस दिए गए हैं, क्या आप बता पाओगे कि ये थॉर्नडाइक लॉ है, अभी बता पाओगे, राइट? तो यू हैव टू रिवाइज इट थरोली, थॉर्नडाइक लॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ, लर्निंग इनका लॉ के हिसाब से क्या है, लर्निंग कैन बी अचीव व्हेन एन इंडिविजुअल इज एबल टू फॉर्म एसोसिएशंस बिटवीन अ पर्टिकुलर स्टिम, यानी वो एसोसिएट कर पा रहा है उसके दिमाग में कि हाँ ऐसे स्टिमुलेशन के लिए ऐसा रेस्पॉन्स, ओके, वो एसोसिएट कर पा रहे हैं दोनों को, देन आई कैन से दैट इज द काइंड ऑफ लर्निंग दे हैव। तो थॉर्नडाइक लॉज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवॉर्ड्स एंड एम्फसाइज ऑन द नीड फॉर प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, दिस इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, ओके सॉरी, हाँ क्या करना है, हाँ रिवॉर्ड्स एंड एम्फसाइज ऑन द नीड्स फॉर प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। हु हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवॉर्ड्स एंड एम्फसिस ऑन द नीड फॉर प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन, प्रैक्टिस एंड रिपिटेशन, ट्रायल एंड एरर, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस रिपिटेशन हो तब उतना, और रिवॉर्ड्स के साथ एम्फसिस के साथ बच्चे सीख जाते हैं, दैट इज वॉट दे मेंट टू से। तो समराइजेशन हम बाद में करेंगे, आई विल समराइज अबाउट दिस, बट मेजरली आपको ये तीन लॉस देखना है, क्या है वो तीन लॉस, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, है ना। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, बहुत सिंपली बताना है, तो ये एक सीरीज ऑफ रेस्पॉन्सेस कैन बी लिंक टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल, यानी जो जो हमारे गोल है उसको अचीव करने के लिए सेट ऑफ रेस्पॉन्सेज जो कुछ हम लिंक करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ रेडीनेस। समझ में नहीं आया, डोंट वरी, मैं बता देती हूँ, बहुत एक्सप्लेनेशन है इसकी। इफ द पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम अचीविंग दिस गोल, दिस विल कॉज डिसप्लेजर,
तो लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स टू से दैट अ टीचर कैन ओनली इंस्ट्रक्ट अ स्टूडेंट इफ द स्टूडेंट इज विलिंग टू बी एडुकेटेड. समझ में आया? तो यहाँ लॉ ऑफ रेडीनेस इज टीचर तो रेडी है यहाँ सिखाने के लिए, क्या बच्चे रेडी है सीखने के लिए? ओनली वेन यू आर रेडी इट हैपन्स. अगर मैं यहाँ आइसक्रीम डाल कुछ भी, अगर बच्चे आर नॉट सीरियसली इंटरेस्टेड टू हैव इट, देन वॉट इज द पॉइंट? वो स्टिमुलेशन ही नहीं हो रहा है उनको, दे आर नॉट बींग स्टिमुलेटेड, देन द होल थिंग इज गॉन. तो लॉ ऑफ रेडीनेस की द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, व्हेन अ स्टूडेंट डज नॉट शो एनी साइंस ऑफ रेडीनेस, जनरली स्कूल्स में क्या होता है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो टीचर शुड कम अप विद दिस लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी उनको इंस्ट्रक्शंस ऐसे दें कि दैट विल हेल्प द स्टूडेंट, उनको एक्टिवेट करें, है ना. तो दिस इज वॉट वी कॉल लॉ ऑफ रेडीनेस. और भी एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए. मेन एम्फेसिस यहाँ पे इज रेडीनेस टू लर्न. कुछ है तो कुछ सीखने के लिए वन हैज टू बी रेडी ना पहले, अगर उनको है तभी ये सब होगा. तो एक लॉ ऑफ रेडीनेस स्टेटमेंट यहाँ पे है, आई डोंट वॉन्ट टू रीड दैट एंड कन्फ्यूज यू. सिंपल मैं उसका अर्थ क्या है मैं बता देती हूँ. वॉट इट मीन्स टू से इज व्हेन अ लर्नर इज रेडी टू गेट लर्न, ही कैन लर्न क्विकली एंड इफेक्टिवली. अगर बच्चा पढ़ने के लिए इच्छा है तो जल्दी जल्दी सीख जाएगा, है ना. लर्नर मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड, यही है लॉ ऑफ रेडीनेस. ओके, फिजिकली साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकल हर तरीके में द चाइल्ड और द लर्नर हैज़ टू बी रेडी. दिस इज लॉ ऑफ रेडीनेस. इन सिंपल, फिजिकल रेडीनेस इज इक्वल नीडेड, यानी फिजिकल ग्रोथ, साउंड हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिजीज, अगर ये सब है तभी ही विल बी एबल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कुछ भी, है ना. साइकोलॉजिकल रेडीनेस या क्या है यहाँ पे, उसका इंटरेस्ट होना है, जील होना है, इंक्लिनेशन, enthusiasm, willingness to learn. That means psychologically he should have that interest कि हाँ मुझे पढ़ना है, ये कौन से सब्जेक्ट है, हाँ मालूम होना है, ये सब. That is what. Physical, basically physically he has to be fit enough. अगर he is ready to fit, क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं, बिल्कुल ही बिल्कुल, है ना. That is what I meant to say. Okay, now let's see. So readiness depends on three main factors. क्या किसके ऊपर readiness is main on? This is also important. Market, maturation, experiences and favorable physical and psychological conditions and environment conditions as well. Okay? बच्चों में maturity भी होना है ना, तो जो कुछ हम बोल रहे हैं उनको समझने के लिए. Therefore, the conclusion is drawn that law of readiness, although not explicitly states that the teacher has to motivate the child and parents and teacher should wait for the child's readiness. समझ में आया? तो अगर लॉ ऑफ रेडीनेस ये है कि बच्चे जो लर्नर है वो रेडी होना चाहिए, जितना भी हम बोलें, जितना भी टीचर करें, जितना भी पेरेंट्स करें, वी हैव टू इंश्योर कि बच्चे रेडी हो जाए. ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज. ये क्या है? फ्रीक्वेंटली मेड एसोसिएशंस बिकम स्ट्रेंथेंड. एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करते 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 योर मसल्स बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, वही एक्सरसाइज और रोज करोगे, नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. फर्स्ट टाइम बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे आदत. दैट इज वॉट लॉ ऑफ एक्सरसाइज. क्या होता है? आपका एसोसिएशन स्ट्रेंथन हो जाते हैं. आप जो कुछ सोचे वो हर टाइम रिपीट हो रहे हैं, हाँ, तो वो इरेगुलर वाले जो कुछ रिपीट हो वो स्ट्रांग हो जाते हैं. तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है? ये लर्निंग, बिकॉज आई सेड दे आर थियोरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग में ये लॉस कैसे अप्लाई होते हैं. हमारे थॉर्नडाइक क्या किए हैं, ही केम व ट्रायल एंड एरर थियरी और बच्चों के एडुकेशन के ऊपर ये इसको यू नो अप्लाई करके बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स, यानी देयर इज अ लर्निंग टेक्स प्लेस बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग और एक्सरसाइजिंग अ वर्क. अगर कोई वर्क है उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छे सीख जाते हैं. ये आपको भी अप्लाई करेगा, मुझे भी अप्लाई करेगा, है ना. तो पहली बार अगर आप मुझे पूछे होगे कि क्या थॉर्नडाइक थियरी उतना आपको आता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते 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 टीचर ना स्टूडेंट्स को सिखाते सिखाते मुझे अच्छी तरह सीख चुकी हूँ. सो लॉ ऑफ एक्सरसाइज अप्लाई हो रहा है मेरे लिए यहाँ पे. ओके, तो ही नॉट ओनली लर्न बट लर्निंग बिकम्स क्या हुआ, मेरा लर्निंग अबाउट थॉर्नडाइक हैज़ बिकम परमानेंट, क्योंकि मैं सीखते गई और बोलते गई पढ़ते गई, तो दिट बिकेम एन काइंड ऑफ एक्सरसाइज. दैट इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आई कैन से. तो अगर कोई मेडिटेशन कर रहे हैं
पहला जब मेडिटेशन करते हैं बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, फर्स्ट 1 मिनट भी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, लेकिन करते करते हर नो मेडिटेटर यही कहते हैं कि धीरे धीरे मैं 1 मिनट से 5 मिनट तक साइलेंटली बैठ सकता हूँ, 5 मिनट से 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे लोग भी बैठते हैं. सो दिस इज ऑल यू कैन से एज लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो कुछ होता है. तो व्हेन वन पर्टिकुलर मेडिटेशन जो भी यू नो लॉ इज, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज. ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यू शुड अंडरस्टैंड. तो लॉ ऑफ यूज यानी लॉ ऑफ प्रैक्टिस में बोल सकती हूँ, ओके. ये प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस होती है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद इंटेंसिटी एंड रिसेंटली. तो एंड लॉ ऑफ डिसयूज वो होता है जहाँ वेन जब कुछ एक्शन करते हैं, अ थिंग इज नॉट रिपीटेड और प्रैक्टिस ओवर अ लॉन्ग टाइम, इट इज स्लोली फॉरगॉटन बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन बिटवीन एस एंड आर डिक्रीजेस. यानी जो कुछ हम प्रैक्टिस नहीं करते वो भूल जाते हैं या दैट डजेंट बिकम अ पार्ट ऑफ अ हैबिट. तो वो होती है लॉ ऑफ डिसयूज, गॉट इट. तो लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज ये वो दोनों होते हैं. तो इससे आपको क्या मालूम हो रहा है कि जो प्रैक्टिस में जो इंटरेस्ट यू नो द लॉ क्रिएट इंटरेस्ट विद गुड रिजल्ट्स. अगर लॉ क्यों क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लॉ कब अप्लाई होता है, जब गुड रिजल्ट्स आते हैं तो दैट लॉ ऑफ यूज कम्स इनटू प्लेस. लॉ ऑफ डिसयूज व्हेन हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते, राइट. तो वो धीरे धीरे जो हम छोड़ देते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ एक्सरसाइज. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट. ये क्या है? An individual's response to a specific situation followed by a reward will eventually make those response stronger. देखो, अगर जो कुछ मैंने किया है उसके लिए मेरे अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, ओके. इफ आई एम थ्रोइंग अ स्टोन ऑन एन एप्पल ट्री और ओ एप्पल, तो वही काम हर टाइम करूंगी क्योंकि वो दैट स्टोन हिट द ट्री एंड आई एम गेटिंग एन एप्पल. तो जो सिचुएशन में रिवॉर्डिंग वाली, मेरा रिवॉर्ड अभी ये एप्पल ही है, तो वो रिवॉर्ड जब मिल रहा है तो आई विल ट्राई टू कंटिन्यू विद दैट. तो दैट इफेक्ट दे के उसके हिसाब से मैं कंटिन्यू करूँगी या ना करूँगी वो मेरी बात, मेरी सोच में होता है. सो द रेस्पॉन्स, देयरफॉर द रेस्पॉन्स बिकम्स हैबिट्स व्हेन द इंडिविजुअल इज प्रेजेंट विद पर्टिकुलर सिचुएशन अगेन. तो हर वक्त व्हेन माई स्टोन वॉट एवर आई एम हिटिंग वो एप्पल को ट्री को लग के एप्पल नीचे गिर रहा है, तो वो ये एप्पल गिरना इज अ रेस्पॉन्स. तो ये आदत मुझे हो जाएगा, हैबिट ऑफ थ्रोइंग स्टोन्स ऑन दैट एप्पल ट्री, ओके. तो दिस इज व्हाट यू कैन से लॉ ऑफ इफेक्ट. थॉर्नडाइक लॉ के हिसाब से आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हो. जो कनेक्शंस हमें अच्छे यू नो एक्सपीरियंसेस आते हैं या अच्छे रिवॉर्डिंग वाली आते हैं, दैट इफेक्ट हैज़ इट्स इम्पैक्ट. तो वो इफेक्ट के हिसाब से अच्छे इफेक्ट्स हैं तो इट स्ट्रेंथन्स आवर थॉट प्रोसेस, नहीं है तो डिक्रीज कर लेता है, ओके. So this law says that if our efforts are accompanied by a feeling of achievement or satisfaction, we are further inspired to learn and effective learning takes place. So padhai mein ye apply kar lo, kahin bhi apply kar lo aap. Law of learning, it's bachon ke liye hi na ye sab hum, you know, all these theories have come up to, you know, find out why, what, how. कि क्यों करते हैं, अचीवमेंट और सेटिस्फैक्शन होते हैं और भी अच्छे करते हैं. जब हम अप्रिशिएट करते हैं कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छे किया, कुछ काम करते हैं, देन दे वेरी हैप्पी, दे ट्राई टू रिपीट द सेम एक्शन, और भी अच्छे पढ़ते हैं. बट इफ़ यू डोंट प्रेज देम, क्रिटिसाइज देम, देन यू नो वो डीमोटिवेट होके यू नो दे प्रॉबली विल नॉट रियली वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम. सो दिस इज वॉट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लर्निंग जो आपको मालूम होने, दैट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ इफेक्ट. So that's all, dear friends. There are 3 laws that we have discussed and earlier trial and error theory, wo bhi zarur dekh lena. And to conclude, we can say that law of effect, although not explicitly states that learning situation provided by the teacher is enjoyable, the law creates school activities interesting and practice will definitely give results. Yani, aur practice karte karte bahut achhe results aa jaate hain. So very, very important. This is all about hamare थॉर्नडाइक थ्योरी का. हाँ, वी वॉन्टेड टू सी द समराइज ना, समरी क्या है देखेंगे यहाँ पे. तो समरी फाइनली, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, हिज थ्योरी वाज कॉल्ड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और इसको मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. उनका थ्योरी लेड टू द डेवलपमेंट, देखो
His theory is not called operant condition, but it led to the development of operant conditioning theory by Skinner. Skinner has come up with this operant condition. अगले क्लास में इनके बारे में डिस्कस करेंगे. और ही हिज थियरी इज नोन एज थियरी ऑफ कनेक्शनिज्म, राइट? एंड इट इज ऑल अबाउट स्टिमुलेशन, सेटिस्फाइंग ऑल दिस पॉइंट्स, की पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया. एंड थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंटेड ऑन कैट्स. डोंट टेक दिस पॉइंट वेरी इजी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पिछले आपके सीटेट में 9 साल में पूछे गए थे. एंड वॉट आर द 3 लॉज? लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट. एक और लॉ भी देंगे, 3 लॉज ऑफ, वॉट आर द लॉज ऑफ लर्निंग में कुछ लॉ ऑफ यू नो रेस्पॉन्स, ऐसा कुछ भी दे देंगे. तो यू शुड नो कि वॉट आर द राइट ऑप्शन. ओके, तो हियर गोज, डन विथ ऑल आर थॉर्नडाइक थियरी. अगले क्लास में वी विल लुक एट स्किनर का थियोरी. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल अपडेट्स. सिर्फ CDP का नहीं, यू हैव इट ऑन इंग्लिश पेडागॉजी और आगे दूसरे सब्जेक्ट्स में हम करेंगे. जस्ट वॉच आउट फॉर द प्लेलिस्ट कम्प्लीटली. ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय. एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच BF स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी आगे.